अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बना रही हूँ स्पगेटी और चिकन स्पगेटी। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हमें चिकन है बोनलेस हाफ के जी, पूरी एक मैंने जो स्टिक होती है ना इसकी स्पगेटी नूडल्स की, ये मैंने पूरी बॉईल कर ली है। यहाँ मेरे पास कैरेट है, पोटैटो है, बॉयल्ड एग है 3, यहाँ पे आधा किलो तकरीबन शिमला मिर्च और एक फूल बंद गोभी और थोड़ी सी 2 ग्रीन चिलीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ और 2-3 जवे लहसुन के डाल के अच्छी तरह से चिकन को कलर चेंज होने तक 5-10 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से पका लिया। मैं इसमें पोटैटोज़ ऐड करने वाली हूँ और उसके 5-10 मिनट बाद ही मैं कैरेट्स भी ऐड, बल्कि साथ में ही मैं कैरेट्स और पोटैटोज़ ऐड करने लगी हूँ। और मैंने सॉल्ट भी डाल दिया है, आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि कैरेट्स और पोटैटोज और जो मेरा चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब 5 मिनट्स के लिए मैं कवर करके रख रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टेबलस्पून और 1.5 टेबलस्पून डालूँगी और उसके साथ मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी 3 टेबलस्पून्स। फिर मैं डालूँगी हॉट सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून्स और विनेगर थोड़ा सा बिल्कुल 1 टीस्पून, और अगर हॉट सॉस डालना है तो डाल दें वरना नहीं डालें। और फिर उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करके मैं इसमें दूसरी वेजिटेबल्स भी डाल दूँगी। अब मैं इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च सब कुछ डाल रही हूँ और इन्हें अच्छी तरह से फिर मैं 10-15 मिनट्स के लिए गला लूँगी अच्छी तरह से और इसमें मसाले भी डाल दूँगी। ये देखिए मैंने ब्लैक पेपर डाल रही हूँ मैं 1.5 टेबल स्पून। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी मुझे डिफिकल्टी हो रही है चम्मच चलाने में। ओके, मैं इसको तकरीबन 5 मिनट्स और फ्राई करूँगी अच्छे से। और वैसे मेरी सब्ज़ियाँ सारी जो हैं वो प्रॉपरली गल चुकी हैं तो मैं इसमें हरी प्याज जो है स्प्रिंग अनियन वो बिल्कुल एंड पर डालूँगी। अब स्प्रिंग अनियन भी मैंने डाल दिए और अब मैं इसमें एग डालूँगी बाद में, पहले मैं डालूँगी स्पगेटीज नूडल्स। नूडल्स में ऐड करके और मिक्स कर लूँगी अच्छे से और फिर उसके बाद मैं एग्स डालूँगी, बॉयल्ड एग। अब मैंने एग्स भी ऐड कर दिए और मैंने सारे नूडल्स डाल के उनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब लास्ट जो मेरा स्टेप था वो ऐड करना था एग्स जो कि मैंने डाल दिए हैं और ये मेरे स्पगेटीज बिल्कुल रेडी हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिश दैट dish it out.
ये हमारे स्पेगेटी नूडल्स तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ये काफ़ी मददगार साबित हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं और ताकि वीडियोस डालूँगी तो आपको पता चल जाएगा मेरी वीडियोस का। थैंक यू गाइस।